डी स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग एज एड असमेंट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल विद रेफरेंस टू इन डोर एयर क्वालिटी एंड सिक बिल्डिंग सिंड्रोम इन डोर एयर क्वालिटी आई ए क्यों इनडोर एयर क्वालिटी इसका ये मतलब है कि आप जब ऑर्गनाइजेशन के अंदर होंगे तो वहाँ पर इन डोर एयर क्वालिटी क्या होनी चाहिए और सिक बिल्डिंग सिंड्रोम का यहाँ पर यह मतलब है कि अकी कंसेप्ट रिलेटिंग टू इन डोर एयर क्वालिटी इज वट हैज़ कम टू बी कॉल्ड सिक बिल्डिंग यहाँ पे जो सिंड्रोम है सिक बिल्डिंग है ये क्या है इनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें दो चीज़ें हैं डी स्टूडेंट्स जो पहला है पुअर इंडोर एयर क्वालिटी कैन काज अ वाइटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सेकेंड हेल्थ प्रॉब्लम विच आर कॉमनली एसोसिएटेड विद डिफरेंट डिजीजेज लाइक रेस्परेटरी सिस्टम एलर्जीज एस्थमा इस तरह की डिफिकल्टीज और डिजीज पैदा हो सकती हैं तो ये दोनों दोनों चीज़ों का तल्लक आपकी एयर क्वालिटी और सिख बिल्डिंग सिंड्रोम के साथ होता है फर्दर अगर इसको देखा जाए वन ऑफ द की टू प्रिवेंट सिख बिल्डिंग सिंड्रोम इज़ एयर एक्सचेंज अगर आपका वेंटिलेशन सिस्टम ठीक है एयर का आना वहाँ से जाना और उसकी वेंटिलेशन सिस्टम प्रॉपर है तो डेफिनेटली ये चीज़ों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है वेंटिलेशन एयर इनफिल्ट्रेशन एयर फ्लो रेट्स एयर फ्लो पैटर्नस फ्यूम एग्जास्ट अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपरली मैनेज हैं तो आपकी बिल्डिंग में ये इश्यूज पैदा नहीं होंगे द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ए एन एस आई अमेरिकन नैशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट डिवेल्प आनडो एयर क्वालिटी अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो ए एन एस आई है इन्होंने बेसिकली ये स्टैंडर्ड्स डिवेल्प किए हैं डी स्टूडेंट्स जिनको देखना सर्च करना जानना बहुत इंपॉर्टेंट है अब ये जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ये बेसिकली किस चीज को डील कर रहे हैं ये इनडोर एयर क्वालिटी को डील कर रहे हैं अगर इन स्टैंडर्ड्स को आप लोग ऑफिशियली फॉलो करेंगे ऑटोमेटिकली इस किस्म की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है अब ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये स्टैंडर्ड्स बेसिकली है कौन सा अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स जो इंस्टीट्यूट हैं ये नाइन पॉइंट एट कैरीज द फॉलोइंग टाइटल्स फंडामेंटल गवर्निंग द मैनेजमेंट ऑपरेशन टेस्टिंग मेंटेनेंस ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं इन सब के मुताबिक इनके स्टैंडर्ड डेवलप हैं जो भी मैंने स्टैंडर्ड बोला आपको नाइन पॉइंट एट और इस स्टैंडर्ड में इन चीज़ों को इंशोर किया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन डोर क्वालिटी को काफी हद तक बेहतर किया जा सके की कंपोनेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स आर समाइज इन द फॉलोइंग नंबर वन जनरल कवरेज नंबर टू एप्लीकेशन फ्लैक्सीबिलिटी नंबर थ्री एक्सेप्टेबल एयर क्वालिटी नंबर फोर टोबैको स्मोक ये चारों चीजों का तल्लक एक पॉइंट के साथ है वो है आपका एयर क्वालिटी इनडोर एयर क्वालिटी अब ये चारों चीज़ें आलहदादा हैं अगर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाए तो वो एक्सेप्टेबल एयर क्वालिटी है और टोबैको स्मोक है अगर इन चीज़ों को आप लोग अवॉइड करें टोबैको स्मोक को अंडर द रूफ या इसके अलावा अगर आप लोग एक्सेप्टेबल एयर क्वालिटी के पैरामीटर को स्टडी करें उनको मैनेज करें उनमें इजाफा करें जो चीज़ें डेफिसिट हैं कम हैं उनमें इम्प्रोवमेंट लेके आए जो चीज़ें इनके इन्वामेंट को ख़राब कर रही हैं उसको अवॉइड करें ऑटोमेटिकली आपकी इनडोर एयर क्वालिटी बेटर हो जाएगी टॉक्सिक मोल्ड एंड इनडोर एयर क्वालिटी इन चीज़ों का भी आपस में बहुत गहरा तलक है फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट देर आर ऑफ टाइप्स ऑफ मोल्ड बट ओनली अ फ्यू आर टॉक्सिक्स सेकेंड डिफरेंट पीपल्स मोल्ड कुछ लोग हल्की सी डस्ट को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कुछ लोग ज्यादा डस्ट को भी बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि वो यूज टू हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये दोनों चीज़ें इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं ये मत सोचिएगा कि एक बंदे की अगर हल्की सी डस्ट में वो सर्वाइव कर रहा है तो वो कोई मसला नहीं नो no प्रॉब्लम ऐसा नहीं है हेल्थ के स्टैंडर्ड्स तमाम इम्प्लाईज़ के लिए सेम होते हैं चेक आउटडोर इन टेक एंड मेक श्योर दे आर नॉट नियर थ्रेश स्टोरेज एरियाज स्टैंडिंग वाटर एग्जॉस्ट और एनीथिंग एल्स ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जिनको हम लोगों ने इंश्योर करना है वो चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदेह हैं इंप्लाइज़ के लिए नुकसानदेह हैं स्टाफ के लिए नुकसानदेह हैं या वर्किंग एन्वायरमेंट के लिए यूजफुल नहीं है उनसे हमने अवॉइड करना है मेक श्योर ड्रिप पैंड स्लॉप सेफिशेंटली टू प्रिवेंट अकोमोडेशन ऑफ स्टैंडिंग वाटर चेक डक्ट वर्क रेगुलरली टू इंश्योर दैट द लैंडिंग इज ड्राई एंड क्लीन ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्लोर है वेट है ड्राई है या इसके अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साउंडिंग एरियाज़ है उनको इंशोर करें कि अगर वो आप लोगों ने जैसे स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं उसके मुताबिक है तो दैट इज गोइंग वेल अब डी स्टूडेंट्स कुछ थोल्ड लिमिटेड वैल्यूज हैं कि मिनिमम यहाँ तक ये यह चीजें होंगी तो एक्सेप्टेबल है उससे ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है उसका हम जिक्र करते हैं थश होल्ड लिमिटेड वैल्यूज ऑफ एयर बोर्न कंसनट्रेशन ऑफ एंड सब्सटैंस अंडर विच इट इज बिलीव दैट नियरली वर्कर्स मे बी रिपीटडली एक्सपोज डे आफ्टर डे विदाउट एडवर्स इफेक्ट ये जो मैंने एक पैराग्राफ छोटा सा आपके लिए पढ़ा है इसका एक मकसद है और वह मकसद ये है कि जो चीज़ें रिपीटडली ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं उसके ऊपर केयरफुल ज़्यादा रहने की ज़रूरत है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है नंबर टू दोल्ड लिमिट्स आर बेस्ड ऑन द बेस्ट अवेलेबल इंफॉमेशन फ्राम इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस फ्राम एक्सपेरिमेंटल ह्यूमन एंड एनिमल स्टडीज ह्यूमन एनिमल स्टडीज़ को देखते हुए मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए उससे बिलो आपको नहीं जाना चाहिए ये बेसिकली टेक्निकल चीज़ें हैं आगे भी स्लाइड में टेक्निकल ये चीज़ें आनी हैं ये आप लोगों के लिए हमने बनाई है इसका एक मकसद है और वो ये है कि ये जितनी भी क्लासीफिकेशन हमने की है शोर्ड लेवल की मिनिमम इसको नुमैिकली हम लोगों ने बताने की कोशिश की है फॉर एग्जाम्पल डी स्टूडेंट्स ये देख लें ये टाइम वेटेड एवरेज है कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एक्सपोजर टू गिवन सब्सटांसिस आप लोग नुमेरिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक बंदे को एक्सपोजर होने में कोई डेफिसिट अगर प्रॉब्लम है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग एन्वायरमेंट में उसका इंसान पे इफ़ेक्ट होने में कितना टाइम लगता है उसको मैथमेटिकली हमने कैलकुलेट करके आपके सामने रखा है लेकिन इसका जो मकसद है वो ये है कि जो भी टाइम आप इम्प्लॉई को दे रहे हैं वर्किंग एन्वायरमेंट में फ़र्ज करें आठ घंटे वो ड्यूटी कर रहा है अगर वहाँ पर कोई किसी किस्म की स्मोक है तो आठ घंटे कंटिन्यूसली वो बंदा उसको इनहेल कर रहा है उसके बाद उसको जो बदल एक्सपोजर मिल रहा है टाइम वेटेड एवरेज वो बहुत ज्यादा उसके लिए नुकसानदेह होगा डियर स्टूडेंट्स ये जो अभी हमने बयान किया ये उसका इम्पैक्ट है टी ए टाइम ऑफ फर्स्ट एक्सपोजर पीरियड ड्यूरिंग द एट शिफ्ट सी ए कंसनट्रेशन टी एन टाइम ये बेसिकली चीज़ें फॉर हैं जो हम लोगों ने अभी पिछली स्लाइड में स्टडी किया नाउ कम टू द पॉइंट हैज इट रिक एंड एवेल्यूशन ये अहम चीज है जहाँ कहीं पे भी मैकेनिकल हैजर्ड्स है केमिकल हैजर्ड्स है या और इसके अलावा कोई हैज़र्ड्स है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफ़ुल नहीं है उसको आइडेंटिफाई करें रिकोगगनाइज़ करें और अगला जो पॉइंट है उसको एवेलुएट करें एवेलुएशन का मतलब है कि एक्चुअल को एक्सपेक्टेड से कंपेयर करें एक्सपेक्टेड एन्वामेंट क्या होना चाहिए जो कि स्टैंडर्ड है और एक्चुअल इन्वामेंट क्या है अगर उसमें गैप है उसको आइडेंटिफाई करें रिकगनाइज़ करें एवेलुएट करें फिर उसको इंशोर करें कि वो गैप कम से कम हो ऑटोमेटिकली आप हैजर्ड असेसमेंट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल को फॉलो कर लेंगे हैजर्ड रिकॉग्निशन एंड हैज सम क्वेश्चंस व्हाट व्हाट इज प्रोड्यूस्ड द मटेरियल आर यूज्ड इन द प्रोसेस व्हाट इक्विपमेंट इज यूज्ड व्हाट ऑपरेशनल प्रोसीजर्स आर इन्वॉल्व ये वो क्वेश्चन स्टूडेंट्स जिनको सॉल्व करने में हम लोग काफी हद तक हैजर्ड्स को रिकोगनाइज कर लेते हैं और उसको अवेल्यूट करके सॉल्व आउट कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल वट डस्ट कंट्रोल प्रोसीजर आर इन्वॉल्व अगर आप इसको स्टडी नहीं करेंगे तो कैसे डस्ट कंट्रोल आप कर सकते हैं इसलिए इन चीज़ों का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड लास्ट पॉइंट में हाउ आर वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स डिस्पोज्ड मैं एग्जाम्पल देता हूँ अगर कोई फैक्ट्री है शुगर केन से शुगर बनाने की तो उसका जो खबर है वो वेस्ट हमारे बाई प्रोडक्ट है उसको आगे आप वेस्ट कैसे कर रहे हैं कहीं जला तो नहीं रहे क्या उसको गत्ते की फैक्ट्री को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो ये है कि जो वेस्ट है आपकी बाई प्रोडक्ट है उसको बाकायदा यूज़ किया जाए और प्रॉपर उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए हेजड रिकग्निशन एंड एवेलुएशन में हम लोग फर्दर देखते हैं दीज आर प्रोसेस इक्विप्ड विद एग्जॉस डिवाइस हाउ डज द फैसिलिटी कंट्रीब्यूट टू कंट्रीब्यूट्लॉज एक्सपोजर इन सब का जो बुनियादी मकसद है वो हैजर्ड्स को रिकोगनाइज करना आइडेंटिफाई करना अवेलुएट करना कंट्रोल करना मोनीटर करना रिपीटडली वो ना हो इस चीज़ को इंशोर करना ताकि ऑर्गेनाइजेश अपने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के स्टैंडर्ड के मुताबिक काम कर सके अब डी स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दी गई है ऑलीशेफ की रिकमेंड दैटेस बाई सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग अब ये जो ऑलीशेफी है ये रिकमेंड्स कर रहा है कि द एक्सपोजर डिटर्मेंट लेवल नंबर टू डिमेंट दूचे कि मिनिमम लेवल हो हर चीज़ का काम करने का उस लेवल से बिलो हम लोगों ने नहीं जाना अगर उससे बिलो जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदेह है उससे अबव रहेंगे तो वो बेनिफिटेड है अब एंड पे डीए स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वी हैव टू डिटर्मन विच एम्प्लॉज आर एक्सपोज टू ईच हैज मटीरियल हाउ फ्रिक्वेंटली एंड फॉर हाउ लॉन्ग मैं अगर टेक्निकली को काम कर रहा हूँ फाइल के आगे खड़े हो के यहाँ पर आग जल रही है मैं उसके आगे खड़ा हूँ यहाँ पे कितनी देर तक मैं उसको एक्सपोज कर सकता हूँ देख सकता हूँ या काम कर सकता हूँ उससे बाकायदा मुझे प्रॉपर एक डिस्टेंस पे रहना चाहिए अगर आप प्रॉपर डिस्टेंस पे रहते हैं देन डेफिनेटली उसका इम्पेक्ट आप एक कम होना शुरू हो जाएगा तो ये हमने कैसे कैलकुलेट करना है टाइम वेटेड एवरेज की मदद से जो मैं पहले आपको नवेजिकल की शक्ल में बता चुका हूँ इसकी मदद से आपको आइडिया हो सकता है कि किसी टेक्निकल जगह पर कितनी देर तक कि एक, एक एम्प्लाई स्टे कर सकता है उसके बाद ही अर शी हैज़ टू मूव फ्राम दैट प्लेस ताकि उसका नुकसान ना हो